अर्नी विश्वविद्यालय का सारा स्टाफ अपनी मांगों को लेकर पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर है, लेकिन उनकी किसी भी मांग की सुनवाई नहीं हुई है और न ही मैनेजमेंट का कोई अधिकारी उनसे बात करने की जहमत उठाई है, जिसके चलते समस्त स्टाफ जो 250 के करीब था, जिनमें महिलाएं कर्मचारी भी शामिल हैं, समस्त स्टाफ ने SDM इंदौरा गौरव महाजन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि यदि हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे 21 जनवरी को इंदौरा पठानकोट रोड पर स्थित बैरियर चौक पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक वही धरने पर बैठे रहेंगे। हमें ना यूनिवर्सिटी के अंदर जो रेगुलर सैलरी नहीं मिल रही है, और कोई मसला नहीं है, रेगुलर सैलरी मिले तो यूनिवर्सिटी ठीक ढंग से चले, हम तो ये चाहते हैं, लेकिन अभी जितनी बार इन्होंने प्रामिस किए हैं इन्होंने कोई प्रामिस पूरा नहीं किया है। अगर कहा है इतनी तरीक डालेंगे फिर नहीं डाली, फिर कहा ये डालेंगे फिर नहीं डाली, अब मजबूर हो के हम फिर पीसफुल स्ट्राइक पे उतरे हैं। अब सोचा कि ऐसे अकेले बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, कम से कम लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को तो जाके इन्फॉर्म करें कि हमारी ये स्थिति है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के आलाधिकारियों द्वारा स्टाफ के एफिडेविट पर लिख कर दिया था कि 31 दिसंबर तक स्टाफ की सभी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। वहीं प्रोफेसर चांसलर SN कुलकर्णी ने बताया कि पेंटा ग्रुप द्वारा अर्नी विश्वविद्यालय का संचालन कुछ महीने पहले ही अपने हाथों में लिया है। उस समय संपूर्ण स्टाफ के वेतन का कुल 3 करोड़ बकाया था, जिसमें से 2 करोड़ का भुगतान तुरंत कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि बकाया राशि इस महीने के अंत तक दे दी जाएगी। इसी संबंधी उन्होंने हिमाचल सरकार से 31 जनवरी तक बकाया राशि के भुगतान का समय मांगा है। इंदौरा से गगन की रिपोर्ट।